जो आज हम जा रहे हैं मास्टर मोहम्मद लतीफ़ साहब का बाग देखने, वहाँ पर उनके कौन कौन से उन्होंने फलदार और फूलों वाले पौधे लगा रखे हैं, तो चलते हैं उनके बाग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम मास्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। मास्टर साहब, आप ये बताएं, आपने इतने बैकवर्ड एरिया में, इतने गर्म तरीन इलाकों में आपने इतनी सारी मेहनत, तो खैर आपकी नज़र आ रही है, आगे चलकर मैं अपनी ऑडियंस को दिखाऊंगा भी, तो आपने ये, आपको ये कैसे ख्याल आया कि मैं यहाँ पर बाग लगाऊँ मुख्तलिफ़ हो? क्योंकि मैं स्कूल में था, वहाँ भी मैंने तकरीबन 4 मरले, सिर्फ 16 कनाल, 4 मरले में से 4 मरले मुख्तस किए, और वहाँ मैंने कलवल पे, अच्छा, वहाँ मैंने बाग लगाया। और बाद में वो बाग जो था, वो स्कूल वो जो था, वो जो अफसर भी आता वहाँ, उसको ले जाया जाता और दिखाया जाता कि देखें ये बैकवर्ड एरिया में कितनी कामयाबी से ये हो सकता है। वहाँ से मुझे शौक़ पैदा हुआ, मैंने सोचा कि जब मैं रिटायर होऊंगा सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि खुद ज़मीन खरीद कर अपना बाग लगाऊँगा। माशाल्लाह, यानी कि ये आइडिया आपने वहाँ से लिया, वहाँ पर आपने तजर्बात किए वहाँ पर। अच्छा, तो ये जो जिस जो है ये माल्टा है सर? ये माल्टा है और मौसमी मौसमी माल्टा, माशाल्लाह। और ये आप देख भी सकते हैं कितना प्यारा है, ये सूर्य की किरणें इस पर पड़ रही हैं। और साथ साथ आप मुझे दिखाते जाएं कि ये कौन सा दरख्त है, कौन सा है, और इस पर कौन कौन से फल लगे हुए हैं। तो सबसे पहले हाँ ये देख लेते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है ये फ्रूट ग्रेट। अच्छा, ग्रेट ग्रेट फ्रूट, या अच्छा ज़बरदस्त। तो इसकी क्या खासियत है इसकी? ये शुगर फ्री है। अच्छा, शुगर फ्री, यानी शुगर के मरीज़ों के लिए ख़ास तौर पर। अच्छा, ये बेहतरीन। और जब ये तैयार होता है ये तकरीबन आधे तरबूज जितना तैयार होता है। अच्छा, आधे तरबूज जितना ये बन जाता है। अभी इसको आप देख भी सकते हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पर। और जब ये तैयार होता है और इसे जब काटा जाता है तो इस ऐसे मालूम होता है कि ये नीचे खून जो है इसके अंदर होता है। अच्छा, इनके सुर्ख रंग का इसका जो होता है ना, इसका पानी जो होता है वो सुर्ख रंग का होता है। आगे ये भी मौसमी है, और ये हाँ ये इसका मखसूस निशान है मौसमी माल्टे का। जी जी, अच्छा, ये बोल निशान जो है ये मखसूस निशान है मौसमी का। इसकी कितनी एज है, इस दरख्त की कितनी एज है तकरीबन? कब लगा? 4 साल। अच्छा, 4 साल हो गए इसको लगा। ये पहला फल है इस। अच्छा, इसका भी पहला फल आ रहा है इसका। ये लीमू सदाबहार, साल में कितनी मतलब फल देता है? ये सदाबहार पूरा साल देता रहता है फल। अच्छा, ये इसने उतार के भी रखे हुए हैं लीमू, ज़बरदस्त। यहाँ से उतारे हैं इस बूटे से, हाँ इसी बूटे से उतारे हैं, और काफ़ी सारे भी मौजूद भी हैं अभी तक इसमें। ये पौधा जो है ये किन्नू का है। अच्छा, ये किन्नू का पौधा है, तो इसको ये कितनी मतलब फल दे चुका है? ये पहली दफ़ा। अच्छा, इसका पहला फल है इस पर, और कितना इसको अरसा हुआ है लगाए हुए? और इसको भी पूरे 4 साल जो है ये तकरीबन आपके बाग को चार साल हो गए। जी, ये पहला फल दे रहा है। अच्छा, ये भी पहला फल दे रहा है। तो अगर आप में से कोई किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही होती है कि आपका जो है पौधा अगर फूल नहीं लगा रहा या फल नहीं दे रहा, तो मास्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप कमेंट्स में जाकर पूछ सकते हैं इनसे कि वो आपको इसकी तशखीस बताएंगे कि आप ये करें तो इंशाल्लाह वो भी फल देने लग जाएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं जी। मास्टर साहब, आपने ये अमरूद का पौधा लग रहा है, तो कितने आपने यहाँ पर अमरूद के कितने पेड़ लगाए हुए हैं आपने? मैंने 7 पेड़ लगाए हुए हैं। अच्छा, अमरूद के 7 हैं। अभी इस पर थोड़ा थोड़ा फल भी लगा हुआ है, तकरीबन है सही लेकिन बहुत कम है। बाकी देख लेते हैं, और भी देखते हैं। ये देखिए जनाब, ये भी अमरूद का दरख्त है और इस पर भी अमरूद लगे हुए हैं। जब इंसान कोई मेहनत करता है तो उसका अजर अल्लाह पाक ज़रूर देता है उसको। अमरूद साल में 2 फल देता है। अच्छा, ये अमरूद जो है ये साल में 2 मरतबा ये फल देता है। अभी अभी कच्चे कच्चे अमरूद लगे हुए हैं इस पर, इंशाल्लाह पक भी जाएंगे एक ना एक दिन। एक और मौसमी का जो है वो दरख्त लगा हुआ है, पौधा लगा हुआ है, काफ़ी सारे मौसमी भी इस पर लगे हुए हैं, ये आप देख भी सकते हैं। बहुत 3.5 साल है। हाँ, ये उस्ताद साहब बता रहे हैं कि इसकी जो है एज लगाए हुए इसको 3.5 साल हो चुके हैं। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा दरख्त उस्ताद साहब का नहीं लगा हुआ जिस पर फल ना हो या उसने कोई फल दिया ना हो, तो मेहनत बहुत करते हैं ये। अच्छा, ये किसका पौधा है? ये ब्लड
अच्छा ये ब्लड का है माल्टा जी, और ये देखिए आप बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पर शदीद तरीन गर्मी भी है, लेकिन ये उस्ताद की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी जिन्होंने इतनी मेहनत करके इस गर्म तरीन इलाके में इतना ज़बरदस्त। ये देखिए आपने यहाँ से ये बाग इनका शुरू होता है यहाँ से, तो इस पर उस आपने तकरीबन कितने पौधे लगाए हुए हैं फल वाले? ये दो कनाल रकबा है। दो कनाल रकबा, और इसमें कितने दरख्त लगे हुए हैं तकरीबन? इसमें तकरीबन जो है फलदार हैं वो 60 दरख्त हैं। 60 दरख्त लगाना, फिर उनकी परवरिश करना, उनकी गोडी करना, फिर जो सायादार हैं सायादार तकरीबन वो 20 वो बनते हैं। ये देखिए ये सायादार दरख्त भी साथ साथ लगाए हुए। नीम का पौधा? हाँ ये नीम है। और इन इन इनका कोई फ़ायदा भी है अगर साथ ये सायेदार लगाए जाएं तो? इनको कोई आपके जो हैं फलों वाले दरख्त हैं इनको कोई फ़ायदा भी देते हैं ये? इनको बिल्कुल फ़ायदा देते हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि नीचे जो जगह है ना वो खुश्क नहीं होती। अच्छा, यानी कि ठंडी भी रहती है, साया होता है जी। तो यहाँ ये धूप इतनी पड़ती है तकरीबन 45-46 सेंटीग्रेड दर्जे हरा, तो गर्मियों में रहता ही रहता है। कोशिश की है कि हर दो पौधों के दरमियान एक मैंने सायादार लगाया है। ज़बरदस्त कोशिश है। और यहाँ आप देख भी रहे हैं, मैंने तो जितने भी यहाँ ये देखिए जितने भी ये मैंने इनके पौधे देखे हैं सब के सब उन्होंने फल लिया हुआ है, तमाम के तमाम ने फल लिया हुआ है। ये देखिए तो ये इससे इतनी ज़बरदस्त कोशिश मेहनत और लगन ही से ऐसे काम होते हैं, वरना तो दरख्त लगाना जो है ना ये कोई मुश्किल नहीं होता, लग तो जाते हैं लेकिन उनकी जो परवरिश होती है ये बहुत मुश्किल होती है। तो आप सारा दिन जो है इसी बाग को देते हैं या? और बिल्कुल इसको और माल मवेशी को, गाय वगैरह। अच्छा, आपने वो भी रखे हुए हैं? बिल्कुल, माशाल्लाह। तो इस अपने बाग को आप दिन में कितना टाइम देते हैं? तकरीबन जो है ना 4 से 5 घंटे तो इनके लिए इस बाग के लिए इतनी गर्मी में भी 4 से 5 घंटे देना जो है ना वो बहुत तो बहुत मुश्किल है। ये तो उस्ताद साहब की हिम्मत है जिन्होंने इतना इनको टाइम दिया हुआ है। तो अब आपका और क्या इरादा है साथ में जो आपकी खाली जगह बची हुई है इसमें? मेरा इरादा है अभी ये पूरी लाइन जो है। अच्छा, बेर के लिए मुख्तस, ये बेरी के लिए वो जो मोटे बेर होते हैं लोकल, हाँ, लोकल उसके लिए ये पूरी लाइन यहाँ पर ये लगाना चाह रहे हैं, इनका ये इरादा है। और इससे आगे उधर जो है और ये। अच्छा, एक और काम की चीज़ साथ साथ में लगाई हुई है और वो है अंगूर की बेल। ये मैं अपनी लाइफ में पहली मरतबा देख रहा हूँ इसको कि मैंने अंगूर जो है वो तो तोड़ लिए हैं हाँ क्योंकि इस पर कोई अंगूर नज़र नहीं आ रहा, तो लग तो ऐसा होगा कि इस पर काफ़ी सारे अंगूर भी माशाल्लाह अंगूर भी काफ़ी सारे इस पर लगे होंगे। इस पर तकरीबन जो है 150 गुच्छा मैंने गिनती किया था। अच्छा।